दोस्तों स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजूराम बेड़ा आज आपको कुछ यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज जो यहाँ पे फिजिकल हुआ है कुछ अपडेट्स यहाँ पे हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक तो पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम था, तो वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। पहले सबसे पहले शुरुआत में हम देखते हैं 14 अप्रैल को 17 अप्रैल को यहाँ पे भगदड़ मचने के कारण बीच में नियमों को थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे हुआ था, और बीच में इनमें ये किया गया कि टोकन नंबर से इनको रनिंग करवाई जाएगी। 18 को टोकन नंबर से रनिंग करवाई, फिर से आज हम देखते हैं 19 और 20 अप्रैल को टोकन नंबर वाला सिस्टम फिर से हटा दिया गया है। सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ पे आना है, आते ही आपकी एंट्री हो जाएगी और आपको जहाँ पर ग्राउंड होगा उस ग्राउंड में आपको ले जाया जाएगा और वहाँ पर ग्राउंड वाइज आपको डिवाइड कर देंगे। एडमिट कार्ड पे फोटो लगी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड चेक करके आपको चेस्ट नंबर दे देंगे और ग्राउंड में भेज देंगे। ग्राउंड में होता क्या है, आपको नंबर वाइज बैठा देंगे, जैसे 1 से 100 नंबर है, 200 से 200, 200 से 300, 300 से 400 इस टाइप से। फिर इन सभी लाइनों में से आगे के जो लोग होते हैं उनको मतलब प्रथम बैच के लिए यहाँ पे आगे भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे टोकन नंबर भी यहाँ पर डिपेंड करता है और आपका जो समय पे आना है वो भी डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि आप अगर समय पे आते हैं तो आपका नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके अलावा मैं बात करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी धूप का मौसम है, तो लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ये नियम जो है डिसीजन लिया है कि आपकी जो रनिंग होगी वो समय पर स्टार्ट हो जाएगी। लगभग सुबह मैं बात करता हूँ लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। और इसके अलावा ये टाटा 407 यहाँ दिल्ली पुलिस की जो है अंदर से बाहर आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लगभग 6 बजे यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर दी गई थी और लगभग 9-9:30 तक सारे बैच है यहाँ पे उनको दौड़ा दिया गया था ताकि धूप में रनिंग नहीं करनी पड़े, कोई असुविधा इनको न हो, तो इस टाइप से रनिंग समय पर करवा रहे हैं। धूप का पता ये इनको दिल्ली पुलिस को भी चल गया है कि धूप के कारण बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं और ये फेल किसी को नहीं करवाना चाह रहे हैं। समय समय पर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नमस्कार भाई नमस्कार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट वीडियो बना रहा हूँ भी मैं ना, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ रनिंग के लिए। अब सुबह का जो ठंड का टाइम होता है उसी में यहाँ पे रनिंग है वो करवा रहे हैं। लॉन्ग जंप के लिए पट्टा यहाँ पे बना हुआ है, पट्टे के ऊपर से आप कूदते हैं तो थोड़ा सा फेल होने का डर ज़्यादा रहता है। बाकी मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे पट्टे के साइड में भी जगह छोड़ी गई बता रहे हैं, तो साइड में से भी आप कूद सकते हैं जिसकी वजह से आप स्लिप होके फेल होने से बच सकते हैं। आप यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट में, तो OBC और जो कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे EWS है, तो ये चाहे कभी का हो, पुराना है तो चलेगा, नया है तो चलेगा। इसके अलावा मॉर्निंग में अगर आप जल्दी आते हैं तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो आते हैं उनकी नींद ज़्यादा ख़राब होती है, तो आप इतना जल्दी ना आए, 5 बजे के आसपास आप यहाँ पहुँचे, तुरंत एंट्री हो जाएगी, तुरंत पहले बैच में आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ग्राउंड की बात करता हूँ तो ग्राउंड में यहाँ पे धूल मिट्टी शुरू के दिनों में काफ़ी सारी उड़ी थी, लेकिन वर्तमान समय की बात करता हूँ तो यहाँ पे धूल मिट्टी वाला ऐसा इशू नहीं है। हर एक बैच जो रनिंग करता है, हर एक बैच के रनिंग करने के बाद में यहाँ पे मतलब कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वो लॉन्ग जंप के बारे में भी पूरी कंप्लीट डिटेल दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे जो वहाँ पे स्टाफ साथी होते हैं उनके द्वारा बताई जा रही है, पूरी तरह से यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। कुछ लड़कों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप उसी स्थान पर 5 दिन के भीतर आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लड़कों का बायोमेट्रिक यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है तो उनको भी 5 से 7 दिन में दोबारा से आके वहीं पर उसी जगह आपको बायोमेट्रिक दोबारा से देना होता है, जिससे कि वो मैच हो जाए तो आपका काम है वो बन सके और आप आगे की प्रोसेस में आगे जा सके। तो इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे मैं देना चाह रहा था। लोग यहाँ पे बैग रखने के लिए अंदर आपको परमिशन मिलती है लेकिन मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, और इसके अलावा बात करता हूँ मैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है वो नहीं ले जा सकते, उनको बाहर रखना पड़ता है। कुछ लड़के क्या करते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके कुछ ले भी जा रहे हैं लेकिन पकड़े जाने की स्थिति में थोड़ा सा डेंजरस वो आपके लिए रहेगा, तो आप स्वयं की जिम्मेदारी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप मोबाइल अंदर लेके जाएं। बाहर मोबाइल को रखने के लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, बंजड़ सा एरिया यहाँ पे बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉपर तरीके से कोई पूरी दुकान नहीं है, ठेले लगे हैं और ठेले वालों के पास ही मोबाइल को है, यहाँ पे हम पैसे दे के रखते हैं तो इनका कोई वैसे वजूद नहीं है, फिर भी लड़के यहाँ पे रख रहे हैं विश्वास के नाम पे। आपको पता है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो केवल विश्वास के नाम पे होते हैं, तो विश्वास से ही यहाँ पे मोबाइल फोन को यहाँ पे इन ठेले वालों के पास में रखे जाते हैं और बाद में आके ले लेते हैं, और ठेले वाले भी काफ़ी विश्वसनीय लगते हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और लगातार ये काम करते हैं, तो ऐसे मतलब कि ये यहाँ पे ये सेवाएं दे रहे हैं और मोबाइल को रख रहे हैं, बैग भी रख रहे हैं, तो आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।